कल भी आज भी देश का नंबर वन सिर्फ एक आज तक। आधुनिक कोच बनाने वाली सरकारी कंपनी इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री ने 16 डिब्बों वाली 44 हाई स्पीड सेमी ट्रेन के टेंडर्स को रद्द कर दिया है। इस टेंडर के रद्द होने से चीन को भारी नुकसान हुआ है और उसे बड़ा झटका भी लगा है। लेकिन ये सब कैसे हुआ और क्यों टेंडर को रद्द कर दिया गया, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री यानी ICF ये एक इंडियन रेलवे की कोच बनाने वाली कंपनी है जो भारतीय रेलवे के लिए कोच बनाती है। इस कंपनी ने वंदे भारत ट्रेन के लिए एक टेंडर निकाला था जो कि 44 वंदे भारत ट्रेनों के लिए कोच बनाती, लेकिन अचानक से इस कंपनी ने अपने उस टेंडर को रद्द कर दिया। इंडियन रेलवे ने इस टेंडर को रद्द करने का फैसला तब लिया जब इस टेंडर के बोलीधारकों में चीनी कंपनी का नाम सामने आया। कोच बनाने के लिए 1500 करोड़ के इस टेंडर की बोली लगाई जानी थी और 1500 करोड़ रुपए के इस टेंडर के लिए चीन और भारत का एक जॉइंट वेंचर प्रमुख रूप से सामने आया था। इस टेंडर के लिए बोली लगाने वाली 6 कंपनियों में से एकमात्र विदेशी कंपनी थी, जिसमें सरकारी स्वामित्व वाली भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, भारत इंडस्ट्रीज, संगरूर इलेक्ट्रोवेब्स इलेक्ट्रॉनिक्स पी लिमिटेड, मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड और पावर नेटिक्स इक्विपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। जो चीनी कंपनी इस पूरे टेंडर को लेना चाहती थी उसका नाम है CRCC कॉरपोरेशन, जो कि गुड़गांव में स्थित एक पायनियर इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर इस टेंडर पर बोली लगा रही थी। इंडियन रेलवे ने ट्वीट करते हुए कहा कि वंदे भारत की 44 सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के निर्माण के लिए जारी किए गए टेंडर को रद्द कर दिया गया है। इसका नया टेंडर मेक इन इंडिया अभियान को ध्यान में रखकर तैयार किए गए संशोधित सरकारी खरीद नीति के तहत 1 सप्ताह में जारी किया जाएगा। हालांकि रेलवे ने निविदा रद्द करने के पीछे किसी खास कारण का जिक्र नहीं किया। बताया जा रहा है कि रेलवे ये सुनिश्चित करना चाहता है कि एक पूरी तरह भारतीय कंपनी को एक टेंडर मिले, लेकिन जैसे ही उसे ये महसूस हुआ कि चीनी जॉइंट वेंचर वाली कंपनी दौड़ में सबसे आगे है, तो उसने इस टेंडर को निरस्त कर दिया। चेन्नई की रेलवे कोच फैक्ट्री ने 10 जुलाई को 44 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण के लिए निविदा को आमंत्रित किया था। इससे पहले लद्दाख में चीन भारत के बीच सीमा पर जारी गतिरोध के बीच रेलवे ने COVID-19 निगरानी के लिए थर्मल कैमरा की आपूर्ति के उस टेंडर को रद्द कर दिया था, जब एक भारतीय कंपनी ने टेंडर के मानकों को चीनी कंपनी के पक्ष में होने का आरोप लगाया था। बताया जा रहा है कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर इस टेंडर को रद्द करने का आग्रह किया था। इससे पहले जून में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में काम कम होने का हवाला देते हुए चीनी कंपनी से 4 साल पुराना 471 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया था। 1500 करोड़ का यह झटका गलवान की विश्वासघात का परिणाम है। इससे पहले सरकार ने चीनी कंपनी के 471 करोड़ के सिग्नलिंग प्रोजेक्ट को भी रद्द कर दिया था। सरकार आगे पूरी तैयारी के साथ है कि चीन के हर निवेश को देश में होने से रोका जाए,